हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे सॉकेट के अंदर दोनों तरफ फेज क्यों आता है। आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी या आपने कहीं पे अपने घर पे या फिर कहीं पे भी आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे देखा होगा कि सॉकेट के अंदर जब हम टेस्टर लगा के देखते हैं तो दोनों साइड टेस्टर ग्लो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपने ऐसी वीडियो भी देखी होगी जहाँ पर आपको बताया होगा कि एक सॉकेट और एक स्विच के अंदर दोनों, उसको जब वो स्विच को ऑन करते हैं तो ये ऐसा ऑन हो जाता है दोनों साइड। तो क्या आपका वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है? ठीक है, अगर नहीं होता तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ दोनों स्विच बोर्ड के ऊपर। फुल प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी ये, और आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जिससे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि क्यों ये ऐसा होता है दोनों साइड आता है फेज। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यानी कि इस वीडियो में आप समझ जाते हैं कि दोनों साइड फेज क्यों आता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, तो ताकि अपने दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड टेस्टर को ग्लो करके देखते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा। फिर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम जो ये स्विच बोर्ड है इसके ऊपर हम टेस्टर यहाँ पर लगा के देखने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो टेस्टर ग्लो कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे वाले में भी ग्लो कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है फ्रेंड्स? ठीक है, अगर हम सेम इसी में इसमें देखेंगे तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक पॉइंट के अंदर तो ग्लो कर रहा है, बट दूसरे पॉइंट के अंदर ग्लो नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो हमने पहले वाला स्विच बोर्ड लगाया था उसके अंदर, जो ये हमने स्विच बोर्ड लगाया था, ये हमने एक स्विच बोर्ड के एक्सटेंशन में लगाया था यहाँ पे। तो उसमें हमने यहाँ पे एक फेज वायर यहाँ पे लगाई थी और न्यूट्रल वायर को हमने ओपन खाली ऐसे ही छोड़ दिया था, और इसका स्विच यहाँ से दबा दिया था। ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ इसका, तो यहाँ से इसको ऑन कर दिया था। ठीक है, तो और उसके अंदर जब हमने चेक किया था तो दोनों के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी भी ग्लो कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया था। जब हम इसको दोनों के अंदर लगा देंगे तो हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो गया है, इसके अंदर पूरी कंप्लीट पावर आ गई है फेज और न्यूट्रल, और अभी ये इसके अंदर ग्लो कर रहा है लेकिन इसके अंदर ग्लो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जो, और मैं आपको इसके अंदर भी दिखाऊंगा ये सेम कंडीशन, क्या हम इसके अंदर सिंगल इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या ये ऐसा होगा? फेज वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ये यहाँ पे दबाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ग्लो कर रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर नहीं कर रहा। क्या हम इसके न्यूट्रल वायर हटा देंगे तो क्या यहाँ पे ग्लो करेगा? ये इसके अंदर तो ग्लो कर रहा है ये, बट दूसरे के अंदर ग्लो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एक सॉकेट से पहले हमारे पास एक ये सॉकेट है, ठीक है, जिसका ये फेज और ये न्यूट्रल पॉइंट और ये अर्थिंग का पॉइंट है। इसका ये वाला एक स्विच है जो कि हमने कनेक्टर रखा है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर है और एक ये फेज वायर है। जो फेज वायर है वो हम यहाँ पे दे देंगे स्विच के अंदर, और स्विच से हम ये पॉइंट सॉकेट के अंदर जोड़ देंगे, और जो न्यूट्रल वाला वायर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट न्यूट्रल के अंदर जोड़ देंगे। तो जो न्यूट्रल का वायर है वो जब ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या इसका सर्किट कंप्लीट होगा? ये फेज़ यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे आके रुक गया ये, ठीक है, और ये यहाँ पे रुक गया। लेकिन हम जब टेस्टर लगाते हैं तो दोनों के अंदर फेज दिखाता है। जब ये यहाँ से वायर हट जाएगी, मैं आपको दूसरा सर्किट बना के दिखाऊँ, यहाँ से ये जब ओपन हो जाता है न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर आकर रुक जाता है, और ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आके बिल्कुल ओपन हो जाती है, कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ।
और जो फेज वायर है वो यहाँ से इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे आ जाता है, लेकिन जब टेस्टर चलाते हैं तो वो दोनों के अंदर जलता है। लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ, जो सिंगल सॉकेट और सिंगल स्विच होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों के अंदर हमारा टेस्टर जलेगा। वो जब हो सकता है तब हमारा पूरे के पूरे घर के अंदर हाउस वायरिंग की हुई हो और जो मेन न्यूट्रल है वहाँ से न्यूट्रल ब्रेक हुआ हो, ठीक है, पूरे के पूरे सर्किट में से जो मेन न्यूट्रल है वहाँ से उसका ब्रेक हुआ हो, सर्किट ब्रेक हुआ हो। अभी मैं आपको उस पूरे जो स्विच बोर्ड था उसके अंदर का सर्किट समझाता हूँ। उसका सर्किट कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। इसकी जो वायरिंग है, जहाँ यहाँ से फ्रेंड्स मान लेते हैं हमारा एक फेज आ रहा है और एक न्यूट्रल वायर आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर आ रहा है, तो ये जो जितने भी स्विच हैं उनके अंदर सारे के सारे दो दो पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से। तो फेज वायर आएगा वो क्या करेंगे, सारे के सारे स्विच के अंदर आता है, तो फेज वायर यहाँ से होते हुए इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, और इसी से इसमें भी आ जाता है और इसी में भी आ जाता है। और फ्रेंड्स मेन बात यह है कि जो फेज वायर है वो इंडिकेटर के अंदर भी आएगा, तो इंडिकेटर से होते हुए ये फेज वायर सबके अंदर चला जाता है, स्विचेज के अंदर, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर है फ्रेंड्स वो चला जाएगा हमारा इस सॉकेट के अंदर चला गया और फिर इस सॉकेट के अंदर चला गया, और यहीं से ये इस इंडिकेटर के अंदर भी चला जाता है। और जो फेज वायर यहाँ से है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे इस सर्किट के अंदर जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे टेस्टर ग्लो करेगा। अगर न्यूट्रल सही है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे ग्लो करेगा। अगर मान लेते हैं हमारा न्यूट्रल यहाँ से ब्रेक हो जाता है, कट जाता है, यहाँ से आगे न्यूट्रल नहीं जा पा रहा है, तो क्या यहाँ पे दोनों के अंदर टेस्टर ग्लो करेगा? हाँ ग्लो करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, फेज वायर जो है यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ रही है, ठीक है, बट जो न्यूट्रल के पास कैसे आया फेज वायर वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिकेटर के अंदर आप देख सकते हैं फेज वायर जुड़ी हुई है, और इंडिकेटर के अंदर से एक कॉइल होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो अंदर की कॉइल होती है जिससे कि ये ग्लो करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है इंडिकेटर, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा तो ये फेज यहाँ से जा रहा है, तो ये आते हुए ये न्यूट्रल की साइड निकल रहा है, तो यहाँ से जब न्यूट्रल ब्रेक हो गया तो ये यहाँ से होते हुए निकल रहा है, निकलने के बाद ये यहाँ से आते हुए ये इस तरह से यहाँ पे पहुँच जाएगा फेज, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे भी टेस्टर ग्लो करेगा और यहाँ पे भी टेस्टर ग्लो करेगा, क्योंकि इंडिकेटर के अंदर से जो फेज है वो यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो इंडिकेटर है उसके अंदर की कॉइल होती है, उस कॉइल के थ्रू फेज निकल जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा कारण यही होता है फ्रेंड्स, जब न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है तब दोनों के दोनों सॉकेट के पॉइंट होते हैं, उन दोनों के अंदर टेस्टर ग्लो करता है। तो फ्रेंड्स इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, अगर कहीं से न्यूट्रल ब्रेक हो रखा है तो उसको हमने छील के दोबारा से टाइट कर देना है, जो हमारा मेन एमसीबी बॉक्स होता है वहाँ से भी उसको चेक कर लेना है कि यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है या नहीं आ रहा। न्यूट्रल आप कैसे चेक करेंगे, न्यूट्रल और फेज आप टेस्ट लैंप से, सीरीज टेस्ट लैंप से आपको यहाँ इसको पे फुल चेक कर प्रैक्टिकल सकते पे भी दिखाया कि कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस स्विच बोर्ड के अंदर और दोनों स्विच बोर्ड के अंदर आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।